दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। और आपको इस वीडियो में आपको कृषि परिवेश का पेपर बताएंगे, जो 30 मार्च 2014 को पेपर हुआ था। कृषि परिवेश का वो पेपर है, 400 का पूर्णांक था, 100 प्रश्न थे और प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर का था, 1/4 माइनस मार्किंग थी इसमें। तो ये पूरे के पूरे इसमें 100 प्रश्न पढ़ेंगे हम इस वीडियो में, तो बने रहिए इस वीडियो पर। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। और कृषि परीक्षा के सभी पुराने पेपर और जेट के पेपर, आईसीआर, ये सभी पेपर पढ़ने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आपको कृषि परीक्षा के अब तक की जितनी भी परीक्षाएं हुई है, वो सभी पेपर आपको इस चैनल पर उपलब्ध हो जाएंगे। तो चलते हैं वीडियो पे। पहला प्रश्न, राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्र भारतवर्ष के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितने प्रतिशत है? 10.4%। कितना है? तो ये 10.4% हो जाएगा इसमें। और सेकंड नंबर, राजस्थान का कृषि जलवायु खंड 4B क्या है? तो 4B आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र है, जो डूंगरपुर बांसवाड़ा इस क्षेत्र में आता है। थर्ड नंबर, राजस्थान का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल क्षारीय एवं लवणीय मृदा से ग्रसित है? तो 11 लाख है, लगभग 11 लाख हेक्टेयर, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें थर्ड नंबर सही होगा, 10.6 लाख हेक्टेयर। चार नंबर, अम्लीय भूमि को सुधार कर कृषि योग्य बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? अम्लीय भूमि के लिए चूना का प्रयोग करते हैं, अम्लीय भूमि के लिए चूना का प्रयोग, और सारी जो भूमि होती है सारी भूमि के लिए जिप्सम का उपयोग करते हैं। तो इसमें चूना हो जाएगा, पहला नंबर राइट हो जाएगा। पाँच नंबर, भूमि उपयोग क्षमता वर्गीकरण के अंतर्गत भूमि को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया? 8 श्रेणियों, दो हो जाएगा इसमें, 8 श्रेणियों। शुष्क क्षेत्रों के लिए सर्वाधिक सामान्य जल संग्रहण रचना है? तो खड़ीन, दो नंबर हो जाएगा खड़ीन। सात नंबर, इनमें से कौन सा एक कार्बनिक उर्वरक है? तो कार्बनिक उर्वरक यूरिया है। आठ नंबर, अनाज वाली फसलों में वायुमंडलीय नत्रजन का स्थिरीकरण किसके द्वारा किया जाता है? तो ये एजोटोबैक्टर के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? एजोटोबैक्टर के द्वारा। और धान में एजोला का प्रयोग किया जाता है और राइजोबियम दलहनी फसलों में किया जाता है। और फोर नंबर, PSB जो है सभी प्रकार की फसलों सब्जियों के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसमें अनाज के लिए पूछा है, तो अनाज के लिए इसमें थर्ड नंबर सही होगा, एजोटोबैक्टर। चलते हैं आगे, नौ नंबर, राजस्थान के अधिकांश क्षेत्र में सिंचाई के स्रोत क्या? तो अधिकांश क्षेत्र में कुएं एवं नलकूप है, चार नंबर राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं, दस नंबर, इनमें से सफ़ेद दाने वाली मक्का की उन्नत किस्म कौन सी है? सफ़ेद दाने वाली गंगा 2 है, बाकी माही, कंचन, गंगा 11, नवजोत, ये पीले रंग के दाने हैं इसमें, बाकी गंगा 2 जो है उसमें सफ़ेद दाने होते हैं। 11 नंबर, राजस्थान में सरसों बुआई की औसत बीज दर क्या है? तो औसत बीज दर 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। 12 नंबर, मूंग फसल में प्रति हेक्टेयर उचित पौधों की संख्या क्या है? तो मूंग में 1,20,000, दो नंबर इसमें राइट हो जाएगा। और कुछ जगह 3,33,000 भी दे रखा है, तो आपको सही लगे वो कमेंट करना है, लेकिन मेरे हिसाब से 1,20,000 सही होगा इसमें। आगे 18 नंबर, वृक्षों एवं घास को एक साथ उगाने की पद्धति को क्या कहते हैं? तो वृक्षों एंड घास को उगाते हैं उनको सिल्वीपेस्ट्रल कहते हैं, तीन नंबर सही होगा, सिल्वीपेस्ट्रल। 14 नंबर, गेहूं की फसल में सिंचाई की मुख्य क्रांतिक अवस्था कौन सी है? शीर्ष जड़ जमने के समय। सोयाबीन में कितने प्रतिशत तेल पाया जाता है? तो 20% तेल होता है और 40% प्रोटीन होती है। 16 नंबर, इनमें से किस शाकनाशी का मक्का प्लस उड़द अंतर शस्य में प्रयोग करना चाहिए? तो इसमें आइसोप्रोट्यूरोन हो जाएगा, दो नंबर राइट हो जाएगा, और स्टॉम्प का प्रयोग धान में किया जाता है, तो दो नंबर राइट हो जाएगा 16 में। 17 नंबर, भूमि समतुल्यांक अनुपात किसका निर्धारण बिंदु है? तो मिश्रित खेती, तीन नंबर राइट हो जाएगा, मिश्रित खेती। 18 नंबर, संकुल मक्का का प्रमाणित बीज उगाने के लिए मक्का के एक खेत से दूसरे खेत की दूरी कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो 18 में हो जाएगा, 100 मीटर होनी चाहिए, कम से कम कितनी हो जाएगी, होनी चाहिए 100 मीटर, और आधार बीज के लिए 400 से 700 मीटर होनी चाहिए। 19 नंबर, सुरक्षित अनाज भंडारण हेतु दाने में कितनी प्रतिशत नमी उपयुक्त है? तो भंडारण के लिए 8 से 10%। 20 नंबर, वर्तमान में कौन सी राजस्थान कृषि विभाग द्वारा संचालित एक महत्वपूर्ण योजना है? तो महत्वपूर्ण योजना आत्मा योजना, आत्मा योजना हो जाएगा, तीन नंबर।
और भारत में वर्तमान में उद्यानिकी की फसलों का क्षेत्रफल है, तो उद्यानिकी की फसलों का क्षेत्रफल 12 मिलियन हेक्टेयर है। एक नंबर इसमें राइट हो जाएगा, 12 मिलियन हेक्टेयर। सक्रवी नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो सक्रवी नामक रोग विटामिन सी की कमी से होता है। 3 नंबर राइट। 23 नंबर, राजस्थान में देसी गुलाब की खेती किस जिले में सबसे अधिक होती है, तो अजमेर में होती है। 24 नंबर, पाले से निम्न में से कौन सी फसल अधिक प्रभावित होती है, तो पाले से टमाटर, और एक पपीता भी अधिक प्रभावित होता है, तो इसमें टमाटर हो जाएगा 24 में। 25, संतरा में पादप परिवर्धन की कौन सी प्रविधि, संतरा में पादप परिवर्धन की कौन सी विधि उपयुक्त है, तो संतरा में कलिकाएं। 26 नंबर, आम के पौधे लगाने का उपयुक्त समय है, तो आम के पौधे जुलाई महीने में लगाए जाते हैं वर्षा ऋतु में, तो जुलाई हो जाएगा। 27 नंबर, उद्यान लगाने की विभिन्न विधियों में से मुख्यतः कौन सी विधि अपनाई जाती है, वर्गाकार विधि। आगे चलते हैं 28 नंबर, पुराने या आर्थिक रूप से कमजोर बाग को सुधारने हेतु प्रसारण की कौन सी विधि अपनाई जाती है, तो 4 नंबर राइट हो जाएगा, इसमें चोटी कलम बंधन या टॉप वर्किंग। 29 नंबर, नींबू वर्गीय वृक्षों में फल जड़न समस्या को रोकने के लिए किस पादप वृद्धि नियंत्रक का छिड़काव करते हैं, तो 2,4-D का प्रयोग करते हैं। GA जिब्रेलिक एसिड का प्रयोग भी करते हैं, लेकिन अधिकतर प्रयोग 2,4-D का ही होता है, तो इसमें 4 नंबर राइट होगा। 30 नंबर, टमाटर की बसंत ग्रीष्मकालीन फसल के लिए नर्सरी में बीजों की बुआई कब करते हैं, तो बीजों की बुआई नवंबर दिसंबर में करते हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब में नवंबर दिसंबर दे रखा है, इसलिए इसमें दिसंबर राइट होगा, 2 नंबर राइट। प्याज की खरीफ फसल लेने के लिए उपयुक्त किस्म है, तो प्याज की खरीफ फसल लेने के लिए N53। पिछेती झुलसा रोग से फसलों को बचाने के लिए छिड़काव करें, 0.2% मैंकोजेब। 1 नंबर राइट हो जाएगा, मैंकोजेब। 33 नंबर, आम की नियमित फल देने वाली किस्म है, तो नियमित फल देने वाली आम्रपाली। 2 नंबर राइट हो जाएगा, आम्रपाली। अम्लीय भूमि में किस फल की खेती सुगमता से की जा सकती है, तो अम्लीय भूमि में अमरूद की, और कुछ किताबों में अंजीर भी दे रखा है, तो आपके हिसाब से क्या होगा वो कमेंट में जरूर बताइए। तो अम्लीय में अमरूद हो जाएगा, इसमें अम्लीय भूमि में किस फल की खेती सुगमता से की जा सकती है, तो अमरूद। 35, भारत में तुड़ाई उपरांत लगभग कितने प्रतिशत फल उपयोग से पूर्व नष्ट हो जाते हैं, 30%। जेली के जमने में मुख्य कारक क्या है, तो पेक्टिन। उत्तरी भारत में मटर की बुआई कब की जाती है, तो अक्टूबर में। 2 नंबर हो जाएगा, अक्टूबर। जलवायु, 38 नंबर, जलवायु के आधार पर राजस्थान को कितने जोन में विभाजित किया गया, तो जलवायु के आधार पर 10 भागों में बांटा गया, 10 कृषि जलवायु खंड है, तो 4 नंबर राइट हो जाएगा, 10। 39 नंबर, आलू की बुआई के लिए प्रति हेक्टेयर बीज दर कितनी होती है, तो आलू की बुआई के लिए 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। 40 नंबर, सिंचाई की छिड़काव स्प्रिंकलर या बूंद बूंद ड्रिप विधि से लगभग कितने प्रतिशत पानी की बचत होती है, तो लगभग 40 से 50%, जो इसमें वैसे 40% होगा, तो आपके हिसाब से क्या होगा वो कमेंट करें, तो इसमें 40%, 40 में 40%। और गिर गाय की उत्पत्ति स्थान है, तो गिर का गुजरात हो जाएगा, 1 नंबर गुजरात। मालवी नस्ल की उत्पत्ति स्थान है, तो मालवी की मध्य प्रदेश। निम्न में से सबसे अधिक दूध देने वाली गाय की नस्ल है, तो 2 नंबर हो जाएगा, होलिस्टीन फ्रीजियन। जर्सी 4,000 लीटर प्रति ब्याह देती है, होलिस्टीन फ्रीजियन देती है 6,000 लीटर प्रति ब्याह। थार पारकर 1,600 से 2,000 लीटर प्रति ब्याह। नागौर देती है 700 से 900 लीटर प्रति ब्याह। इस प्रकार इसमें 2 नंबर राइट होगा, होलिस्टीन फ्रीजियन। सबसे ज़्यादा वसा वाला दूध देने वाली नस्ल, वसा। मुर्रा में 7% वसा पाई जाती है, नीली रावी में 8 से 10, भदावरी में 12 से 14, मेहसाणा में 7 से 8, तो भदावरी हो जाएगा इसमें 3 नंबर। सबसे ज़्यादा दूध देने वाली बकरी की नस्ल है, सबसे ज़्यादा दूध देने वाली बकरी की नस्ल है जमुनापारी, हो जाएगा 4 नंबर इसमें। 46 नंबर, राजस्थान में सबसे फाइन कारपेट ऊन पैदा करने वाली भेड़ की नस्ल का नाम, कारपेट, कारपेट बीकानेर नस्ल से होती है, लेकिन बीकानेर बीकानेरी नस्ल ऑप्शन में नहीं है, तो इसमें चौकला सही होगा। वैसे कुछ जगह जैसलमेरी भी बता रखा है, लेकिन चौकला सही होगा इसमें। इनमें से कौन सी बीमारी मुर्गियों में होती है, तो रानीखेत। 2 नंबर, दुग्ध ज्वर या दुग्ध बुखार किसकी कमी से होता है, तो दुग्ध ज्वर कैल्शियम की कमी से होता।
49 नंबर, किस बीमारी के बचाव के टीके लगाए जाते हैं? बचाव के टीके तो गलगोन 2 में लगाए जाते हैं। इनमें से कौन सी दवा पशुओं में वीर्यचक का कार्य करती है? तो वीर्यचक का कार्य अरंडी का तेल करता है। 1 नंबर। 51 नंबर, इनमें से कौन सी दवा जीवाणुरोधक के रूप में काम में ली जाती है? तो जीवाणुरोधक कपूर। 3 नंबर राइट हो जाएगा इसमें। 52 नंबर, 1 दिन की मुर्गी के चूजों को किन बीमारियों का टीका लगाया जाता है? तो रानीखेत। 1 नंबर, भैंसों की कौन सी नस्ल का उत्पत्ति स्थान गुजरात है? तो जाफराबादी, जिसे अहमदाबादी भी कहते हैं। नीला थोता का उपयोग पशुओं में किस कार्य के लिए किया जाता है? कृमिनाशक के रूप में। मेहसाणा नस्ल किन दो नस्लों के क्रॉस से तैयार की गई है? मेहसाणा, मुर्रा और सुरती। 56 नंबर, निम्न विदेशी नस्लों में से किस नस्ल के दूध में सबसे ज़्यादा वसा होती है? तो वसा जर्सी में होती है। 1 नंबर राइट हो जाएगा, जर्सी। 57 नंबर, अविकालीन बेर की नस्ल तैयार की गई है? अविकालीन जो है मालपुरा और रेम्बुलेट से। 3 नंबर राइट हो जाएगा, और अविवस्त्र चोकला और मेरुन से, तो इसमें 3 हो जाएगा। दरातीनुमा सींग किस नस्ल की पहचान है? दरातीनुमा सुरती में। 2 नंबर, सुरती। 59 नंबर, पशुओं में आयु का अनुमान लगाया जाता है? आयु का अनुमान दांत से लगाया जाता है। 56 नंबर, किस नस्ल की भैंस के सिर पर टीका होता है? टीका नीली रावी में। 4 नंबर राइट हो जाएगा। अब आते हैं हिंदी के क्वेश्चन। गीत शब्द में कौन सा उपसर्ग लगने से संगीत शब्द की रचना हुई? तो सम उपसर्ग। 2 नंबर हो जाएगा सम। 62 नंबर, फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार को कहते हैं? तो अस्त्र। 2 नंबर हो जाएगा। 63 नंबर, जिसका कोई शत्रु न हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है? तो अजात शत्रु। नयन शब्द का सही संधि विच्छेद होगा, तो नयन ने प्लस अन, अयादि संधि होगी इसमें। 1 नंबर राइट। नीलकंठ में कौन सा समास है? तो बहुब्रीहि समास। 65 में बहुब्रीहि। 3 नंबर राइट हो जाएगा। और 67 नंबर, हार शब्द में आ उपसर्ग लगने से आहार शब्द बनता है, जिसका अर्थ है भोजन। हार में कौन सा उपसर्ग लगाए कि उसका अर्थ छोड़ना बन जाए? तो इसमें परी उपसर्ग, परी प्लस हार, परिहार। 67 नंबर, पुराण में एक प्रत्यय लगने से या लगाने पर सही शब्द रूप होगा? तो पौराणिक हो जाएगा। 2 नंबर राइट होगा, पौराणिक। नीचे कुछ शब्दों के पर्यायवाची लिखे हैं, इनमें से शुद्ध विकल्प कौन सा? तो शुद्ध विकल्प 4 नंबर हो जाएगा, आकाश। आकाश का नव, गगन, व्योम, अंबर, अंतरिक्ष। पहले में पुष्प में नीरज नहीं है, सूर्य में शशि नहीं है, और रात्रि में चंचला नहीं है। इस प्रकार इसमें 4 नंबर राइट होगा। 69 नंबर, निम्न में से कौन सा शब्द गणेश के लिए नहीं है? गणेश के लिए मयूर ध्वज नहीं है। नेक्स्ट 70 नंबर, आस्तिक का विलोम शब्द होगा आस्तिक का नास्तिक। तरणी तरणी शब्द युग्म का उपयुक्त अर्थ युग्म है, तो तरणी छोटी एक ही मात्रा आ रही वो सूर्य, और बड़ी एक ही मात्रा आ रही वो नाव हो जाएगा, सूर्य और नाव। 72 नंबर, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो 4 नंबर राइट हो जाएगा, ताजमहल का सौंदर्य अनुपम है। 73 नंबर, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है? तो पहला हो जाएगा, चिन्ह है। 74 नंबर, अकनोलेजमेंट अंग्रेजी भाषा के इस शब्द के समकक्ष हिंदी शब्द है? तो 2 नंबर हो जाएगा, पावती, जिसे रसीद भी कहते हैं, प्राप्ति सूचना भी कहते हैं। 2 नंबर राइट हो जाएगा। 75 नंबर, आग से खेलना मुहावरे का सार्थक प्रयोग किस वाक्य में हुआ? आग से खेलना अर्थात 4 नंबर हो जाएगा इसमें। बचपन से ही भगत सिंह क्रांतिकारी नारे लगाकर मानो आग से खेल रहा था। 75 नंबर, अब जीके की क्वेश्चन। राजस्थान राज्य अपने वर्तमान स्वरूप में कब आया? 1 नवंबर 1956। 3 नंबर, स्वतंत्र राजस्थान की थर्मोपली के नाम से कौन सी जगह प्रसिद्ध है? 1 नंबर, हल्दीघाटी। 78 नंबर, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? प्रथम राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह, जो 5.5 वर्ष तक रहे। 79, निम्न में से राजस्थान का कौन सा नगर है जहां कोई नदी नहीं है? तो 2 नंबर राइट हो जाएगा, बीकानेर एंड चूरू में कोई नदी नहीं है। 80 नंबर, कोठारी नदी का उद्गम स्थल है दिवेर। 4 नंबर हो जाएगा, दिवेर। 81 नंबर, संयुक्त राष्ट्र संघ ने मिलेनियम प्रोजेक्ट के तहत अगस्त 2008 में भारत का पहला मिलेनियम विलेज किस गांव को चुना गया? तो अमरपुरा को चुना गया, अगस्त 2008 में अमरपुरा को। 2 नंबर राइट हो जाएगा। बर्रेसी, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक कम जनसंख्या वाला जिला जैसलमेर। 1 नंबर हो जाएगा। राजस्थान का राज्य पुष्प रोहिड़ा। और चलते हैं 84 राजस्थान का राज्य पुष्प। 84, राजस्थान में भूरी क्रांति किसका उत्पादन बढ़ाने से संबंधित है? तो पूरी क्रांति खाद्य प्रसंस्करण उद्योग।
85 राजस्थान में निम्न में से कौन सी गाय की प्रजाति नहीं पाई जाती है, तो सुरती नहीं पाई जाती, एक नंबर राइट हो जाएगा। 86 नंबर, राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर है, उदयपुर में, 3 नंबर हो जाएगा उदयपुर। 87 नंबर, राजस्थान में मरु त्रिकोण के अंतर्गत कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है, तो 4 नंबर हो जाएगा जालौर। 88 नंबर, राजस्थान में 2 फरवरी 2006 को मनरेगा की शुरुआत किस जगह से की गई थी, तो 1 नंबर हो जाएगा माकड़ा देव ग्राम पंचायत से। 89 नंबर, प्राचीन समय में कोंकण तीर्थ के नाम से कौन सा स्थान प्रसिद्ध था, तो 89 में पुष्कर हो जाएगा। 90, 100 द्वीपों के शहर के नाम से राजस्थान का कौन सा शहर प्रसिद्ध है, तो 100 द्वीपों का शहर बांसवाड़ा, 2 नंबर राइट हो जाएगा बांसवाड़ा। 91, राजस्थान के कबीर के नाम से किससे जाना जाता है, तो राजस्थान का कबीर संत दादू। तेजाजी का पशु मेला किस जिले में लगता है, तो तेजाजी का पशु मेला नागौर में लगता है, 4 नंबर। राजस्थान में करणी माता का मंदिर कहाँ स्थित है, करणी माता का मंदिर देशनोक बीकानेर। 94, बनी ठनी किस शैली से संबंधित है, किशनगढ़ी शैली से, 3 नंबर हो जाएगा किशनगढ़ी शैली। 95, डोला मारूरा दोहा ग्रंथ की रचयिता कौन है, कवि कलोल, 2 नंबर हो जाएगा कवि कलोल। 96, विजय सिंह पथिक का संबंध निम्न में से किस आंदोलन से है, तो विजय सिंह पथिक है, ये बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित है, 1 नंबर। सूर्य नगरी के नाम से कौन सा शहर विख्यात है, तो सूर्य नगरी जोधपुर। सुवर्ण नगरी जालौर है और स्वर्ण नगरी जैसलमेर है, तो जोधपुर हो जाएगी, 4 नंबर। 98, निम्न में से कौन सा राजस्थान का लोक नृत्य नहीं है, तो लावणी नहीं है, लावणी महाराष्ट्र का। 99 नंबर, 99, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो जैसलमेर है और इनका क्षेत्रफल 38,401 वर्ग किलोमीटर है। 100 नंबर, निम्न में से किसका संबंध अजमेर से नहीं है, तो 2 नंबर विजय स्तंभ है जो चित्तौड़ में है, तो इसका संबंध अजमेर से नहीं है, विजय स्तंभ। तो दोस्तों इस प्रकार एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के सभी पुराने आए हुए पेपर पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपको इस चैनल पर जेट, ICAR, कृषि अधिकारी और कृषि प्रयोगशाला के सभी पुराने पेपर आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए इतनी मेहनत करके हम वीडियो बनाते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो।